करूं मैं, पूरा घर का काम बिखरा पड़ा है। मोंटी की लगा क्या? मोंटी ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अब झूठ बोलना भी सीख गया है? साची साची बता क्या देख रहा था? अरे मम्मी आपका नाम नोकिला है, कोकिला बेन थोड़ी है। इतना ओवररिएक्ट करना बंद करो। और कुछ भी तो नहीं, वही बस नॉर्मल रोज का वीडियोस। सुन रहे हो? अगर पूरी दुनिया की खबर ले लियो तो अपने बेटे की भी कुछ जानकारी ले लो। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ के रख दिया है, अब ये गंदी गंदी फिल्में देखने लगा है। लड़का जवान है, समझदार है, इतना सोचो मत। कुछ भी। अरे मम्मी भैया आ गए। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण बेटा, आ गया मेरा लाल पढ़ाई करके। हाँ माँ, आज तो बड़े बड़े ऑफिसर आए थे कोचिंग में हमें इंस्पायर करने के लिए। हाँ हाँ माँ, एक दिन मैं IAS ऑफिसर जरूर बनूंगा, देखना आप। क्यों नहीं बेटे, मुझे गर्व है अपने गौरव बेटे पे। और एक तू है नलायक, कुछ सीख अपने बड़े भाई से। ये जो तेरी जवानी फूट रही है ना, एक दिन तुझे रंग के हाथों जरूर पकड़ूंगी मैं। लेकिन मम्मी। चल बेटा मैं तुझे केसर का दूध पिलाती हूँ। चलो मां। जय श्री कृष्णा, 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 जय श्री कृष्णा। हे ईश्वर, इसे क्या हो गया है? क्या क्या गंदी संदी आदतें पाल ली है, सुबह सुबह ही शुरू हो गया है। सद्बुद्धि दे भगवान इसे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर, राम दूत अद्वैत बल धाम। हे भगवान, क्या करूं मैं? कैसे इस लड़के की आदतों से इसे छुटकारा दिलाऊं? कैसी कैसी गंदी आदतें पाल ली है इसने, रास्ता दिखा मुझे ईश्वर। हाँ इसे ये वाली किताब देती हूँ, शायद इसकी आदतों में कुछ सुधार आ जाए। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, उसके साथ साथ तेरी दोस्त भी हूँ, तुझे अच्छे से समझती हूँ। माना कि सर पे इस वक्त जवानी चढ़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने गोल से भटक जाएं। ये ले। एटॉमिक हैबिट्स? मम्मी इतनी मोटी बुक कौन पढ़े? अरे तो तू इतनी मोटी बुक पढ़ नहीं सकता, तो कम से कम इसे सुन तो सकता है ना। मतलब इस बुक में जो लिखा है उसकी समरी को तो जान सकता है। मतलब ये कि ये जो तू फोन में अपनी गंदी गंदी फिल्में देखता है, इसकी जगह कुकू FM एप्लीकेशन डाउनलोड कर। कुकू FM? हाँ कुकू FM, ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसपे 4000 से ऊपर ऑडियो बुक्स हैं, मोटिवेशन से लेकर तेरी गंदी आदतें सुधरने तक। अच्छा? हाँ, और इस बुक के सिर्फ 4-4 मिनट के 24 एपिसोड में तुझे पूरी बुक का एसेंस समझ में आ जाएगा। और ये देख, 9th चैप्टर द आर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, और 11th खराब आदतों का रीजन और उनमें सुधार। और सबसे बड़ी बात, This application is made in India. और आप किस बात का वेट कर रहे हैं? नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके कुकू FM application डाउनलोड करें। पहले 250 यूजर्स को 50% डिस्काउंट मिलेगा। BKT50 प्रोमो कोड डालना ना भूले। माँ मैं जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा। अरे बेटा संडे के दिन वो भी इतनी सुबह सुबह कहाँ चला? माँ वो मॉक टेस्ट पेपर क्लासेस हैं आज, और जाऊंगा तो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे शाम को समय से आ जाना। हाँ माँ पक्का 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 आ जाऊंगा। ठीक है माँ, जय श्री कृष्ण। मम्मी मैं भी जाऊंगा। तू जाएगा है? मुझे पता है तू हर संडे लड़कियां छेड़ने जाता है। टाइम मिला नहीं कि आवारागर्दी शुरू। सीख अपने बड़े भाई गौरव से कुछ। संडे के दिन भी कोचिंग जा रहा है और तू नलायक, घर बैठ के अपनी आदतें सुधार। गर्व है मुझे मेरे बेटे गौरव पर। और टीका मलखान क्या चल रहा है? और वही गोली, आज क्या गोली दे आया? मॉक टेस्ट पेपर भाई।
भाई गला सूख रहा है यार, जुगाड़ लाया। अरे भाई लड़कियों के लिए प्यार और दोस्तों के लिए जुगाड़ हमेशा है तेरे भाई के पास। रुके भाई निकाल। ये ले भाई, मेरे पे जुगाड़ नहीं मिलेगा तो किस पे मिलेगा? ले। अबे क्या कर रहा? अबे टिंडर। भाई राइट, भाई राइट। अबे लेफ्ट लेफ्ट। भाई राइट क्यों? अबे सेट है यार। अबे सेट तो है पर इसकी भी तो शक्ल देख। भाई मैं इसको अब राइट ही करूंगा, मतलब कर दिया राइट। अबे भाई लेफ्ट मारी से तो पूरी गोल्ड डिगर लग रही। अबे ये 526 वाली शीतल नहीं है? अबे शीतल पागल हो गया। अबे शीतल, अबे शीतल बहन जी आएगी। अबे ये शीतल ही है। अबे उधर देख, आज तो पूरा जयपुर यहीं उतर आया। पिंक सिटी छोड़ से छोड़। पिंक सिटी, पिंक पिंक, I cannot blink। तेरे घर में माँ बहन नहीं है? वो तो सब हैं, तेरी कमी है। तो चले। अब इनका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? बहुत हो रहा है, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। सालों मुझे छोड़ के भाग गए। अबे यार बैठ 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 कर नहीं, दोनों लगाते हैं, दो दो लगाते हैं, बढ़िया तरीके से पियेंगे, टेंशन क्यों ले रहा तू? निकल गए हाथ से, अगर आज हाथ में आते ना सबक सिखाती इनको मैं। यार वो सब तो ठीक है पर क्या आंटी अंकल के में आया अभी तक? रात के 8 बजने को आए हैं, गौरव का कुछ अब तक पता भी नहीं चला। हे भगवान ईश्वर, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। एक काम करती हूँ, मोंटी से पूछती हूँ, उसे पता होगा। मोंटी वो गौरव ये तू क्या कर रहा है? तूने ड्रेस देना भी शुरू कर दिया? मोंटी कोकिला बहन, तू यहाँ कैसे? अच्छा एक बात तो बता। आप पूछ। रसोड़े में कौन था? तेरी माँ। अब बताती हूँ तुझे। हे ईश्वर, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? कहीं मेरी परवरिश में ही तो कमी नहीं रह गई? क्या करूं, कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे अब, वरना ये बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। ये भगवत गीता मेरी है, मेरा बचपन से सपना था मुझे आर्किटेक्ट बनना है, लेकिन आपने और बाबा ने मुझे ज़बरदस्ती साइंस दिलवाई क्योंकि आप मुझे डॉक्टर बनते देखना चाहते थे। मुझे साइंस बिल्कुल समझ में नहीं आती वहाँ, लेकिन आप लोगों का सपना पूरा करने के लिए मैंने साइंस ली। मुझे समझ में नहीं आती है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ माँ। ये भगवद गीता
मुझे बहुत हेल्प कर रही है स्ट्रेस और एंजाइटी से लड़ने के लिए। अच्छा, और तू उस दिन वो लैपटॉप में क्या देख रहा था? उस दिन माँ मैं लेक्चर सुन रहा था। और वो जो तू बैग में छुपा रहा था वो? वो तो हैंकी में सूंघ। माँ वो भगवान को भोग लगा हुए फ्लावर्स थे जिन्हें मैं सूंघ रहा था। यही है आज के कलयुग की सच्चाई। अगर युवा पीढ़ी भक्ति में आई स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर करना चाहिए तो समाज ने उसकी बैंड बजाई। उनको डर लगता है कहीं वो स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ज्ञान ना बढ़ाएं, पहाड़ों पे ना चले जाएं, एक साधु बन के भक्ति में डूब ना जाएं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब हिमालय के पर्वत पे जाना नहीं है, अपने आप से क्वेश्चंस पूछना है कि हम कौन है, कहां से आए हैं और कहां जाना है। जी हाँ, स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है। तो अपने आसपास के स्पिरिचुअल लोगों से ना घबराएं, उनसे दोस्ती करें और पॉजिटिविटी फैलाएं, और नीचे लाल बटन जरूर दबाएं, और भक्ति रूडे को सपोर्ट करके साथ निभाएं, और प्रेम रूपा की तरह जबरदस्ती राइम ना बनाएं।